योगी कलश हिंदी में क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं के कुछ बोला ले वो भोजपुरी में बोले वाला रहा। हाँ, हाँ, हाँ। गई सामने जाके कहलस की ढूकी कला अंदर आओ भर्ती हो गया। भोजपुरी शब्द भोजपुरी शब्द में अंग्रेजी शब्द में बड़ा अंतर बा। अच्छा मैदान भैया की बात स्वाभाविक बात। हाँ, 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 आदमी के पेशाब लागे ला। हाँ, देखिए जा मैदान पर कोई मैदान पर ले मेरे तलाक में से चुन के जरूर नहीं मनी की लेकिन की मैं खाना कहिए से सिरही हो के पेशाब लगल और साधु जी की पीठी पर पेशाब पड़ेला जब पाला लागल तो साधु जी तुलसी जी का मल्ला फिर छोड़ जल नजर ऊपर उठौला कल बाजमी तो अजमी है चिड़ई के हिम्मत हमारी पीठी पर गंदा कर दियलस पेशाब कर दियलस साधु ने श्राप दे दिया जा ऐसे तूने हमारे शरीर को गंदा किया है श्राप देता हूँ जल करके राख हो जाओ। सामने बकुली चिड़ई गिरल करी देह में आगी लगल जर के राख हो गई। अब साधु जी के गोड़ भैया नाई बाप चंगुरे पर चले लग रहे अब जेके मन करी हो के हम जरा वाले साथियों को कुछ लोग बहुत बदजबान बोल रहे हैं हम तो ना बोली ला ये धंधा है सारे लोग अपने धंधे में लगते हैं कमाई खर्ची के आई नहीं वो लोग कमाई खर्ची के आई ना वो बजावे बहुत लोग वही आई कहते नहीं नहीं बंद करो वाले बंद करे नहीं तो मैं कहना नहीं कहूंगा लेकिन यही है नहीं। अच्छा बहुत लोग के चैनल बंद हो गया में मीनाक्षी और आज के चैनल पर लेकिन हमारे चैनल में हमारे चैनल के काम बा और पैसा खा जाए कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हम गली गए हमारा झाट के फला से मुर्दा हलू के अब चैनल चला कर रुपया कमा कितना कमाई बहुत रुपया कमाई लगी घर भर गई खेत बाड़ी जमीन मकान सब कुछ बन गई अब क्या लेके जाए आप लोग कमाइए मौज मस्ती लीजिए हमारे तरफ से छूट है यूट्यूबर साथियों को मैं कहा था। हाँ साधु जी साधु जी आराम कर दिया जरा से जीवन मांगब दे दी ठीक बना दी तो जरा हमारे जीवन मन करी जरा से मांगे के दे दी ठीक बना तो हम जरा हमारे नाम पुनौ दास हल्ला हो गई एक दिन भिक्षा मांगो दिल्ली साधु जी को गाँव में तरफ बदल गई बंधु वो घर के मलिकार चाहे मलिकाई उहे रहल भीतर से टीली बन रहल साधु जी गेले जाके सिकड़ी भुड़कौल ये घर में केहू बा और हमारे सुसु जाति भीतर से टीली बन रहा लगना में चरपाई बिछा के वो पेशानी के खटिया रहा ओकर मरद हर हाथ के आई रहा खाना खिया के आ धीरे धीरे अपनी मरद के पैर दबावत रहा। साधु जी गैलन दस्तक दिलन सिगड़ी भुड़कौलन कोई है खोल दो दरवाजा भीतर से कोनो आवाज ना आई दूसरी बेर कहला खोलो दरवाजा मैं पुंगो दास बोल रहा हूँ कौन आवाज ना आई मरद की सेवा में मशगूल में मेरा रू तीसरी बेर चेतावनी दिलन खोल दे दरवाजा वरना श्राप दे करके जला डालूंगा कौन आवाज ना आई केवड़िया में फाक हो गई बोल गल है हो केवाड़ी कोनो कोनो बर जाली से तो में लौके पातर छेद में एगो आंख बन करके ताक मीनाक्षी आगे पूरा भोपाल केहू कर ले दोनों लोग कल जा एको आंख बंद करो एको आंख से ताक इतने में पूरा आदमी लोग रहे छेद रहा एगो आंख बंद करके साधु जी चपल अपनी इमारत के संगे सुनता रहा कहलन की देखा तनी देखा तनी कहलस वही तरह देखा कबाड़ी ना खोल
साधु जी कहना है इंद्र भगवान हमारी बस में महिला मेहरानू कहते कवाई ना खोल श्राप दे करके छला डालूंगा बाकी चंगिया में चंगिया पेश के वही में बूढ़ी नियर लपचा गई कल से साधु वो तनी बात सुना वो पेड़वा पर के हम चिड़ैया ना है देवना के श्राप दे के जरा दी हलो जहाँ चिड़ई दे रही वो जा केहू ने रहू सुतल पे अपना वरत की संगे ही कैसे जान गई हाथ जोड़ ली हलन केवाड़ी खोद थोड़ी गोर पर गिरा तनी इतनी बता दे कैसे जान गए कि हम चिड़ई जरा गई जोश में थी वह औरत आकर के दरवाजा खोलती है दुष्ट पाखंडी साधु कहां ज्ञान को पाया तू अपने भक्ति के जरिए केवल पंछी को दबाया जंगल की बगुली जो हमको सबक सिखा दोगे तेरे अंदर जो वसुधारा गिरा दोगे अरे ढोंगी साधु क्या पाया उस चिड़िया को जला करके क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात गंदे कदी अलग चिड़ई रे ढोंगी पाखंडी साधु जला करके हमें जलाने के लिए आयो तो से वो हमारे रोवा टेहना हो साधु जी गोड़ पर गिर गई कलम तनी बता दे कैसे जलले के हम चिड़ई जरा के ये गीत के आए कि बेचन भाई से जब रहा हो के गीत के गाँव है ये न देखला कि हम अपनी मरद के संगे सुतर रही रे पाखंडी साधु हम कोनो दूसरा मरद के लगे ना सुतर रही के लगे सुतर रही पतिवर्ता औरत की हम भी अपील करेंगे मेहरारू जात से मरद लंगड़ लूल कान कोतर मिल जाए अपने पति को भगवान मानकर के सेवा करना इसलिए कि वो तुम्हारे मांग में सिंधु डाला है गलत अपने पति के सेवा करिए साधु हमारी मौरत से बोल के धरती पर कोनो देवी देवता ना हुआ पति के सेवा कैला से हमके दिव्य दृष्टि मिलल दुनिया में का होला के जान जाइला कल तनी दूसर गौरी निमन निमन बात बता दे कल चेयर ले वाले कुलिया महीना बताए हमन रहे साधु तुम्हें चल जा अगला गांव का नाम जनकपुर हो वो गांव में जेबे को धर्म दयाद नाम के आदमी के घर बा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बाद बताई साधु जी कहना जब मेहरारू से इतना ज्ञान मिलल चली वो मरद के लगे रमयामी चादर ओढ़न खड़ा पहन खड़ंजा पकड़न जब पहुंचले जनकपुर गांव में तन नजारा का देख लो ये गांव में कोनो धर्म ब्याज राम के आदमी के घर बा लोकल है छी छी राम 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 साधु राम नामी चादर ओढ़ ले हुआ टीका तपन लगोले हुआ आदमी है कि कसाई है भैंसा काटेला साधु जी के दिमाग खराब लेकिन औरत की बात पर विश्वास था लगा जरूर करूंगा गई लोग के घर के सामने धारदार हथियार उठा के भैंसा काटत रहल उनके नदी बहत रहल दरवाजा पर साधु जी देखलन पीछे लौट के भागे लगलन भैंसा काटल छोड़ के कोटेशन की बात है मेरे बिरहा सुनने वाले साथियों धुन तरस का आनंद लेंगे जरा कोटेशन की बात सुने कलश अरे महाराज साधु जी अवय अवय थे मेहरारू की कहला पे इतना कष्ट करके अला बिना हमसे कुछ मिलले बोलले बतियोले भागल जात हो साधु जी के कई डिग्री बुखार चढ़ी गई कहला भैया काटा तड़े भैसा कैसे जान के लेके मेहरारू की कहला पे आई नहीं कला सब इतने नहीं की जानत की हो जानत तनी कि तू चिड़ई जरा के वो मेहरारू की लगे गई ला और मेहरारू तो के हमारी लगे भेजला साधु जी गोड़ पर गिर गई लन कलन भैया तुमसे बड़ा संत इस धरती पर कोई हो नहीं सकता संत में भी अंतर है एगो लड़गड़िया साधु तुमड़ी वाला साधु एगो घर गैया साधु हमरे आपके घर में भी हूँ हमरे बगलिया में सिकंदरपुर के बगले में जवारा पड़ी जाना वहाँ एक आदमी हुए कि चार साल को पांच साल पर
कोई मोठा पर गैया रख ले, चार साल पांच साल के बाद जब घर में ब्याह पड़ी तो वहां से घर आवे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं घर गैया साधु। अरे कैसे जान मिले भैया, माई पकड़ साधु जी के ले गई अपने वो कोठरी में। दूगो तस्वीर है सामने, कलश बगल में साधु का देखा था, कहला कोनो मरद के फोटो है। कलश खबरदार, कोनो मरद के फोटो ढा, ये मेरी बाबू के फोटो है। बगल में कहा देखा तो वो कहला कोनो मेहरारू के फोटो, कलश कोनो मेहरारू के फोटो ना, हमरे पूजनीय माता जी के फोटो है साधु। हमर माई बाबू जियत रहलन, अपनी माई बाबू के जिंदगी में तनिको कष्ट ना दिहली, मोला की बात भी अपनी माई बाबू के प्रेम से पूजा करी ला। हमारे माँ बाप से बढ़कर के इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं, कोई तीर्थ व्रत नहीं। हमारे माई बाबू हमारा खातिर के भगवान है, जो भगवान हुआ। और हमारा चैलेंज है तराजू के एक पलड़े पर माँ बाप को रख दीजिए, और एक पलड़े पर हिंदुस्तान के सारे देवी देवता को रख दीजिए। चैलेंज करता हूँ, माँ बाप का पलड़ा कभी भी भारी हो जाएगा। अपने माँ बाप का कभी अनादर मत करना। मीनाक्षी जी ने बताया, जाड़ा के दिन में लड़का पेशाब कर गई माई जैसे हटा के जगह पर अपने सुत गई, लाल के सुखगरा सुता गई। साधु को ज्ञान हुआ और वह बताया धर्म ब्याज कसाई की भैंसा कटला से डराता, कहता हमारा धंधा धंधा नहीं करूंगा, मांस नहीं बेचूंगा, हमारी जीविका नहीं चलेगी। आखिरी लाइन में भाव आखिरी एक पॉइंट बता करके अपनी विधा को मैं खत्म कर रहा हूँ। एक दिन मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक बनारस का इंजीनियर बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके अमेरिका में वैज्ञानिक बनाया, बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। उसका इंजीनियर बाप मर गया, अमेरिका से अपने बाप की तिरही में नहीं आया, वहीं से अपने पापा के चित्र पे अगरबत्ती दिखा रहा था। और संचालक से कहा कि जितना रुपया लगेगा लगा करके हमारे पिताजी की तिरही कर देना, मैं पैसा भेजूंगा। ऐसा भी बेटा भगवान किसी को न दे जिस बाप ने तुमको पढ़ा लिखा करके साइंटिस्ट बनाया, वैज्ञानिक बनाया। अमेरिका से हिंदुस्तान में 2 घंटे का सफर है, नहीं आया हुआ बेटा। आजकल के जमाने में ऐसा हो रहा है, जिस बाप ने पढ़ा लिखा करके बेटे को ISBCS बना दिया, बीबी के साथ मशगूल है, माँ बाप चूल्हे भाड़ने जाए। लेकिन मैं आपसे ऐलान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अपने माँ बाप का कभी अनादर मत करना।